लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तो कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को हर बात का जवाब चुनाव परिणामों से मिलेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। 2 सीटों हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर कांग्रेस को लंबा मंथन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लालकुआ से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विस्त ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर निशाना साधा और कहा भाजपा को फिर पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। कांग्रेसियों को अपनी हार का डर सताने लगा है, जिससे कोई भी कांग्रेस का टिकट लेने को तैयार नहीं है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनावी समर में भाजपा खरीद फरोख्त में जुटी हुई है, जिसका जवाब इस चुनाव में उसको मिल जाएगा। कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पास। कोई टिकट ही लेने को तैयार नहीं है, उन्हें अपनी हार का ऐसा डर सता रहा है। उनकी तो पृष्ठभूमि, उनका पैसे की कोई कमी नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि ही जो है खरीद फरोख्त में विश्वास वो लोग ज़्यादा करते हैं, चाहे उनका पास जनाधार हो न हो, लेकिन वो जो है जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ने का काम अवश्य वो लोग करते हैं। और जहाँ तक उनके आरोप का सवाल है, तो वो आरोप गलत लगा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव में अभी जो पिछली बार इनके यहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री रहे, आप मुझे बताइए कि उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया। किसी भी क्षेत्र में वो मेरे ख्याल में घूमे नहीं होंगे। मैं तो लालगांव विधानसभा की जानता हूँ, क्योंकि मैं यहीं घूमते रहता हूँ, और मुझे मालूम है कि उन्होंने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे कि वो यहाँ पर दोबारा जीतने की स्थिति में रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।